नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म का नाम है जवान और मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंबई के गेटी गैलेक्सी सिनेमा हॉल पे। यहां पर सुबह 6 बजे से फिल्म के शोज चल रहे हैं और सुबह से जो उनके फैंस थे यहां पर जश्न मना रहे थे। मैंने भी फिल्म देखी लेकिन मैंने दूसरे सिनेमा हॉल पर फिल्म देखी और मैं देख कर आया और मैं आपको बताऊँगा फिल्म के बारे में कि फिल्म मुझे कैसी लगी। सबसे पहले हम बता दें इस फिल्म के निर्देशक के बारे में। इस फिल्म के निर्देशक हैं एटली साउथ से हैं और जो फिल्म है ये पैन इंडिया फिल्म है एक तरह से कहें तो शाहरुख की। इसमें साउथ से अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो विजय सेतुपति हैं और नयन तारा हैं। उसके अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण भी हैं और सानिया मल्होत्रा भी हैं। फिल्म की जो कहानी है वो खुद एटली की है और जो फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं वो सुमित अरोरा के हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फिल्म की कहानी कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, एक फिल्म आई थी 80 के दशक के आसपास जिसका नाम था आखिरी रास्ता। जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो मुझे लगा कि यार ये फिल्म किसी से तो मिलती है, तो मुझे याद आया कि ये फिल्म आखिरी रास्ता है और मैं किसी से बात कर रहा था, फिल्म कारोबार विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि शाहरुख खान मीट्स आखिरी रास्ता। तो आखिरी रास्ता से थोड़ा बहुत आपको ये फिल्म याद दिलाएगी उस फिल्म की। अमिताभ बच्चन तो उस फिल्म में। इस फिल्म की कहानी की हम बात करें तो इस फिल्म में दो डबल रोल हैं शाहरुख खान के, एक है आज़ाद राठौर, दूसरे विक्रम राठौर। बाप बेटे का किरदार निभा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं आज़ाद को और उनके जो पिता हैं विक्रम राठौर को कि जो सरकार है वो हिल जाती है। अब वो क्या कदम होंगे और क्या कहानी है उसके लिए तो आप फिल्म देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको सीधा बताऊंगा फिल्म की खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले बात फिल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि इस फिल्म की जो कहानी तो लिखी गई, कहानी के बाद जब स्क्रिप्ट में इसको ढाला गया तो उसका इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वो ठीक से गुथी है या नहीं, क्योंकि जो सीन्स हैं स्टैंड अलोन सीन्स, यानी कि अकेले अगर आप सीन्स को देखें तो बढ़िया कमाल सीन्स हैं। एक्शन सीन्स की बात करें कमाल हैं उनके, हम शाहरुख खान की अगर इंट्रोडक्शन सीन की बात करें कमाल हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहानी थोड़ी सी डिसजॉइंटेड है, सीन्स और कहानी में तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है फर्स्ट हाफ की मैं खासतौर से बात करूँ तो। और मुझे दूसरी खामी ये लगी, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इमोशंस वाले हैं और वहाँ पे उन इमोशनल सीन्स में, उन भावनात्मक सीन्स में थोड़े ठहराव की ज़रूरत थी, लेकिन फिल्म में पेस रखने की वजह से वो उनको उतना ज़्यादा ठहराव नहीं दिया गया और फिल्म फास्ट पेस से आगे बढ़ती चली जाती है। तीसरी खामी मुझे लगी, क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म है तो जो संगीत है फिल्म का उसमें ध्यान इस तरह से दिया गया है कि जो गाने हैं वो उत्तर के लोगों को भी पसंद आए और दक्षिण के लोगों को भी, लेकिन जो गाने जिस तरह से पठान के हिट हुए थे मुझे लगता है कि उस तरह से ये गाने लोगों की ज़बान पर नहीं चढ़ पाएंगे और उसकी वजह यह, सिवाय एक गाने के जो मुझे लगता है रमैया व्यवस्था भैया जो एक गाना है वो आपको ज़रूर याद रहता है, उसके अलावा आपको जो गाने हैं उस ढंग से आपकी ज़बान पर आपके जहन में नहीं रुक पाते जैसा कि पठान में था। तो ये फिल्म की खामियां। अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म है और शाहरुख खान के फैंस जब भी फिल्म आती है तो माहौल जो है वो त्यौहार जैसा हो जाता है और वही हुआ। और क्योंकि शाहरुख खान 4 साल के बाद इस साल उनकी ये दूसरी फिल्म आ रही है तो जैसा जोश पठान में देखने को मिल रहा था वैसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो जो खूबी है दूसरी वो ये कहूँगा कि शाहरुख खान जो है सबसे बड़ी खूबी तो वही है। दूसरी बात ये है फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं और जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी या आइटम सीन्स हम आजकल बोलने लगे हैं किसी भी फिल्म में, जो हम पिछले 1.5-2 साल से फिल्में देख रहे हैं और जो चली भी हैं, आइटम सीन्स बहुत कमाल डिज़ाइन किए गए हैं और उनमें जो डायलॉग डिलीवरी है, जो हाव भाव है शाहरुख खान के, उनके जो इमोशंस और एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत खूब हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ में खूबी अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की तो वो ये है कि इसका जो शाहरुख के जो डिफरेंट लुक्स हैं वो लुक्स भी हैं जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा कि इसमें लोग जब जाते हैं फिल्म देखने तो उनको खाली ऐसा नहीं कि एक्शन देखने को मिलना है, इस फिल्म में संदेश भी है। संदेश इस फिल्म में जो किसानों की आत्महत्या है उसका जिक्र है, जो आर्म फोर्सेज हैं यानी कि जो सेना है उनको जो हथियार दिए जाते हैं उन हथियारों में कमी या वो किस स्तर के हैं उस पर भी बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो अस्पताल हैं, अस्पतालों की जो बदहाली है उस पर भी बात की गई है। तो ऐसे भी हैं और जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि जब आप वोट करें सोच समझ कर वोट करें। तो ये कुछ फिल्म की खूबियाँ हैं और मेरे हिसाब से जो ऑडियंस है उनको ये फिल्म पसंद आ रही है। फिल्म को स्टार देना मेरे ख्याल में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शाहरुख की फिल्म
में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं इस फिल्म को दूंगा 3 स्टार। और मैं ये भी कहूंगा कि जो जो शाहरुख के फैंस हैं उनको ये फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है। और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो लोग ये शायद फिल्म देखेंगे और ऑडियंस ये फिल्म देखेगी। ओपनिंग की बड़ी ओपनिंग की उम्मीद है, लोग कह रहे हैं करीब जो फिल्म कारोबार विशेषज्ञ हैं कि फिल्म की जो ओपनिंग है वो करीब 60 के आसपास लग सकती है। तो कुल मिला के ये शाहरुख के फैंस के लिए फिल्म है, आप जाएं देखें। अगर आप शाहरुख के फ़ैन हैं, नहीं हैं तब भी देखें, क्योंकि शाहरुख खान शाहरुख खान है।